आज हम बैठे हैं फाइन पिज़्ज़ा लिंक रोड में। मेन्यू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमने बर्गर्स खाने आए हैं। अच्छा जी, इनके बर्गर्स हैं बारबेक्यू बीफ बर्गर, ग्रिल्ड बर्गर, डबल स्टैकर ग्रिल्ड चिकन बर्गर, ये वगैरह वगैरह आप ये देख सकते हैं, डिफरेंट रेंज है। तो हमने जो इनकी ट्राई किया है आज, वो हमने किया एक मशरूम चिकन बर्गर ग्रिल्ड बर्गर। इसकी डिस्क्रिप्शन है ये 240 का खाली बर्गर है, 340 का स्मॉल फ्राई स्मॉल बॉटल और 370 का अप साइज, ठीक हो गया। और हमने दो जो किए हैं डबल स्टैकर ग्रिल्ड चिकन बर्गर, वो खाली बर्गर 340 का है, मील 440 का है और अप साइज 470 का है। सो आप जैसे इनकी देख सकते हैं, सिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और आज रश भी है, आप जितना आप दिखा सकते हैं। आज संडे का दिन है, हम भी इंजॉय करने आए हैं। तो इन्होंने कहा है थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स सी कैसा है, कैसे टेस्ट है, आपको तब तक एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। बस सही है यार, क्या उतर पवाएगा क्या। सीटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और बस गर्मी हुई है थोड़ी सी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो जैसी बात आए हम आपको बताते हैं वैसा आता है। जी गाइस, तो विद इन 10 मिनट्स हमारे बर्गर आ गए। जैसे आप देख सकते हैं, ये डबल डेकर चिकन ग्रिल्ड बर्गर है और ये इनका मशरूम बर्गर है। आप पहले हम आपको मशरूम बर्गर दिखाते हैं। फिलिंग अच्छी हुई है, पैटी अच्छी है, बर्गर का स्टफ थोड़ा सा नाजुक है लेकिन ठीक है। अभी हम इसको खाते हैं। सर रात हुआ छोड़ोगे थे मेरे, पहले पहले बताओ मैं दूंगा। अच्छा यार, बड़ा अच्छा। तो गाइस हम अपना टेस्ट करते हैं, अभी एंड करता हूँ फ्रीज में ना आना है। उन्होंने डबल कहा था, ये देखें डबल आपको दिख रही है, डबल पैटी, डबल पैटी ठीक हो गया। और फिलिंग आपको दिख रही है कि इन्होंने मायो बहुत ज़्यादा डाली हुई है। हम खाते हैं, बाइट लेते हैं हैवी तरफ से। नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है, ग्रिल्ड पैटी बहुत ही अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बर्गर भी बहुत अच्छा है। प्राइस थोड़े कम दिए हैं और इन्होंने कहा भी है कि आज रश की वजह से कम दिए। और ये जरूरी था 300 ml, हाँ तो क्या वो बताना चाहिए। तो गाइस बाकी हम आपको एंड में बताते हैं कैसा टेस्ट है। कैसा लगा आपको बर्गर, आपको कैसा लगा? यार अच्छा था। अच्छा, अच्छा डिटेल बताएं। हाँ क्या क्या अच्छा था लगा आपको? पीरियल बता दें कैसा लगा आपको? टेस्टी था, मजा आया बस। सही प्राइस कैसे थे? प्राइस अफसोस हुआ, थोड़े थे। और क्वालिटी कैसी थी? अच्छा था, अगली बार भी आऊँगा। आपको कैसा लगा? आपने मेरे से पहले रिव्यू दिया? नहीं, वो मैंने कैंसिल कर दिया। काफी अच्छा था, बहुत अच्छा। बर्गर बन स्टफ कैसा था? अच्छा था। आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? अच्छा, आपने पिज्जा खाया था इनका परसों, वो कैसा था? वो भी ठीक था, नॉर्मल है बेसिकली। पिज्जा जो है नॉर्मल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। वो कितने का था पिज्जा?
13 का समथिंग का था 16 और 2 सही है विदाउट ड्रिंक ओके जी गाइस तो हम कार बैठे हैं फाइन पिज्जा से जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमने खाया एक डबल स्टैकर ग्रिल्ड बर्गर था मेरा जैसे कि मैंने आपको दिखाया केस बहुत अच्छा वाकई बहुत अच्छा था और हमने दो वो करवाए थे और एक मशरूम करवाया था मैसी भाई ने हम दावत देते हैं मैसी भाई को बताया कैसा था मुंह के अंदर घुस जाए आप मुंह के अंदर घुस जाए कैसा था अच्छा था तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ आपको बर्गर तो अच्छा है और बाकी भी इनके मेन्यू थे हमने वो ट्राई नहीं किया तो आज का शो हम यही एंड करते हैं मैं शाह मैसी और सामा कैमरे के पीछे अबे क्या कर रहे हैं क्यों उसको कैमरे में लाई जा रहा है यार तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें सजेस्ट करेंगे आपने कौन से रेस्टोरेंट का रिव्यू देखना है तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फूड फोमैनिया पेज को लाइक करें सब्सक्राइब करें इसके चैनल को अगर मैं ना आ रहा हूँ ना छोड़ना नहीं है अरे यार क्या बोल अच्छा तो फूडपैनिक पेज को लाइक करें सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पेज को भी हमारे ज़रूर लाइक करें कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आज का रिव्यू फाइन पिज़्ज़ा अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफ़िज़